हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू आशीष मूवी रिव्यू। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ इसके थर्ड डे की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मूवी अपने सेकेंड डे पे चेस कर रही है 14 से 15 करोड़ का टारगेट, वही हुआ। और इस मूवी ने अपने दूसरे दिन पे रजिस्टर किए हैं 14.02 करोड़ की कमाई, जो कि एक अच्छे कलेक्शन है। कल इसको 15% की ग्रोथ मिली। जैसा मैंने आपको कल बताया था, इसको मॉर्निंग में तो 30% की ऑक्यूपेंसी मिली थी, वहीं इसके आफ्टरनून और नून में इसने 40% की ऑक्यूपेंसी रजिस्टर की, और इवनिंग और नाइट के शोज में इसने 45 की ऑक्यूपेंसी रजिस्टर की, जिसके कारण इसके दूसरे दिन के कलेक्शन आए हैं 14.02 करोड़। अब इसके दो दिन के ग्रैंड टोटल हो जाते हैं 26.08 करोड़, जो कि एक अच्छा कलेक्शन है डिस्पाइट ऑफ इट्स नेगेटिव रिव्यू। उसके बाद भी ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब तीसरे दिन की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात कर ले तो बहुत ही इनकरेजिंग इसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आ रही है। अगर फ्राइडे से इसके संडे की ऑक्यूपेंसी को कंपेयर किया जाए तो 10% का जंप दिख रहा है। जहां पर फ्राइडे को इसको मिली थी 25% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में, वहां पर संडे को इसको मिली है 35% की ऑक्यूपेंसी, जो कि एक अच्छी बात है। अब जो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा आज के दिन का, जो कमाएगी ये मूवी वो 17 से 18 करोड़ का रहेगा, उससे ज़्यादा ये मूवी नहीं कमाई पाएगी, 20 करोड़ का आंकड़ा नहीं टच कर पाएगी। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आज रात को होगा IPL का फाइनल, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियन और CSK के बीच में। इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी लगभग 4:30 या 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण इसकी इवनिंग और नाइट के शोज को हर्ट जरूर होगा। इसी कारण इसके कलेक्शन 17 से 18 करोड़ के बीच में ही आएंगे। जैसा भी होगा वैसा मैं आपको बनाकर वीडियो बता दूंगा, और एक और एक स्पेशल वीडियो भी मैं लाऊंगा रात को IPL के लिए, जो भी टीम इसका फाइनल जीतेगी उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसकी जर्नी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को तब तक के लिए खत्म करते हैं यहां पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।